नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्श अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, शवों को घर में ही दफनाया। ऋषभ शेट्टी की कंतारा के थिएटर में 100 दिन हुए पूरे। तीसरे वनडे मैच से पहले महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंची भारतीय टीम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, शवों को घर में ही दफनाया। जी हां, दो माह बाद खुली पोल। मध्य प्रदेश के रतमाला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने पत्नी, 7 साल के बेटे और 4 साल की बेटी की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। सभी की जान लेने के बाद उनके शवों को घर में ही दफना दिया था। जी हां, पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक तीन हत्याएं 2 महीने पहले की गई। तीनों का शव बीते रविवार को घर से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि इसके लिए घर की जमीन खोदी गई। जमीन के अंदर से तीनों की लाश सख्त विषत हाल में मिली। इस दौरान मौके पर फॉरेंसिक विभाग की टीम भी रही। फॉरेंसिक विभाग के अफसरों ने मौके के साक्ष्य जुटाए, साथ ही शवों की भी मेडिकल जांच के लिए अपने साथ ले गए। पुलिस विभाग की टीम फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। डीएनए टेस्ट कराकर शवों की पहचान की जाएगी। जी हां, इसके बाद आरोपी ने पुलिस को बताया कि तीनों का शव घर में ही दफनाया दिया। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टरों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाया। वहीं पुलिस ने शवों को दफनाने में सहयोग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि शव काफी सड़ चुके हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट कराकर शव की पहचान की जाएगी। पुलिस घटना की जाँच में जुटी। पुलिस जहाँ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने हत्या की जो भी वजह बताई है उस पर संदेह हो रहा है। अभी इस मामले की संघनता से जांच की जाएगी। साथ ही आरोपी के घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से भी आरोपी के व्यवहार और रहन सहन के तौर तरीके से के बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी। ऋषभ शेट्टी की कंतारा के दिन वर्जन, हिंदी वर्जन का कमाल थिएटर में 100 दिन हुए पूरे। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म कंतारा से साल 2022 में लगातार चर्चा में बने रहे और अब 2023 में भी उनकी फिल्म कई वजहों से सुर्खियों में है। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी काफ़ी देखा जा रहा है और मूवी ने थिएटर पर रिलीज के 100 दिन भी पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग साझा की। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कहा गया, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस ट्रेडिशनल फिल्म कंतारा के हिंदी वर्जन ने रिलीज के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। हम ऑडियंस को इस मौके पर तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। बता दें कि फिल्म सिर्फ 20 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। अभी तक लोगों के जहन में ये फिल्म ताज़ा है और सोशल मीडिया पर भी इसके रील्स वायरल होते रहते हैं। जी हाँ, आ रहा फिल्म का प्रीक्वल्स। अभी फिल्म का पहला पार्ट ही थिएटर में दिखाया जा रहा है और फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर भी डिटेल सामने आ गई है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हाल ही में इस बात की जानकारी साझा की गई थी कि फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और ये एक प्रतिकूल है। ऋषभ शेट्टी इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। मई जून में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि फिल्म के कुछ सीन्स के बैकग्राउंड में बारिश की जरूरत पड़ेगी अगर इसे साल 2024 में रिलीज किया जा सकता है। ऑस्कर की रेस में फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि अवार्ड फंक्शंस में भी खूब नाम कमा रही है। ऋषभ ने इस बात की खुशखबरी साझा की थी कि फिल्म को ऑस्कर की 2 अलग-अलग कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिल्म इस बड़े अवार्ड्स की रेस में कितने आगे तक जाती है। तीसरे वनडे मैच से पहले महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंची भारतीय टीम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाने वाला है। जी हां, इस मैच के लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है। बता दें कि भारत ने इस सीरीज पर पहले ही 2-0 से कब्जा कर लिया है। वहीं आज का मैच जीतकर भारतीय टीम न्यूजीलैंड का सुफड़ा साफ करना चाहेगी। आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच खेलने से पहले भारतीय टीम उज्जैन के प्रख्यात महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने अन्य भारतीय खिलाड़ियों संग सोमवार सुबह महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं। सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के लोग बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक
भस्म आरती में भी शामिल हुए। जी हाँ, सभी खिलाड़ियों ने विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने सांसद अनिल फिरोजिया से अलौकिक श्रृंगार के बारे में जानकारी हासिल की। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हो गया। जी हाँ, उन्होंने कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें मांगी है। साथ ही बाबा महाकाल से ये भी कहा है कि मेरे प्रिय दोस्त और क्रिकेटर ऋषभ पंत जल्द ही स्वस्थ हो और हम मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन करें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।